बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सभा को संबोधित करने वाले हैं। छपरा में पीएम मोदी की सभा हो गई है, जबकि मोतिहारी में पीएम मोदी की सभा होगी। उसके बाद बगहा और समस्तीपुर में पीएम की सभा है। तो इस तरह से आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो वो एक सभा उन्होंने जो कि संबोधित उन्होंने कर लिया है, इसके साथ साथ और भी सभाएं हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके बाद बगहा और समस्तीपुर में पीएम की सभा है। भागलपुर और खगड़िया जिले में दूसरे चरण में मतदान है। दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो दूसरे फेज के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार का शोर आज थम जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋषिकेश का, जो इस समय मोतिहारी से लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, एक सभा को उन्होंने संबोधित कर दिया है, और जानकारी आपसे चाहेंगे। जिसान देखिए, न्यूज 11 अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली का जो स्थल है मोतिहारी, जो गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है, उस रैली स्थल पर है। और ये पहली ऐसी रैली हम लोग देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी वाकई में, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो गई है। एक तस्वीर देखिए यहाँ पे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो कितना उत्साहित हैं। जो ये मंच की कैपेसिटी है, जो इसका आकलन है, वो 50,000, जो सिर्फ आप जो पंडाल देख रहे हैं जो भव्य बना हुआ है, 50,000 कुर्सियों की कैपेसिटी है, लोगों की भीड़ की कैपेसिटी है। और एक तस्वीर जो मैं आपको जिसान दिखाना चाह रहा हूँ, वो तस्वीर यहाँ सामने देखिए कार्यकर्ताओं की है। ये कार्यकर्ता है जो लगातार यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और थोड़ा भाई साहब, थोड़ा सा ये देखिए कि तस्वीर है 56 इंच का सीना, जिसको लेकर के कहा जाता है कि चर्चा है। और देखिए कि ये जो बीजेपी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और यहाँ रैली में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए है। जी, जहाँ जहाँ रैली होती है वहाँ वहाँ जाते हैं। जी जी, ये पूरा रंग रोहन कर लिए हैं मोदी जी के प्रति। क्यों ऐसा, क्यों? मोदी जी का प्रिय भक्त है। जी, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। जी जी, क्यों, क्या भक्ति का क्या कारण है? हिंदुस्तान के लिए बहुत काम करवाए हैं। आप क्या करते हैं ऐसे सार्वजनिक जीवन में? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी, 56 इंच का सीना मोदी जी वाला लगा लिया है। जी जी, सभी रैलियों में डिमांड होती है आपकी। जी जी, लोग देख के आपको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ऐसे मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त। जी, देखिए तो मोदी भक्त है। आप सर किस तरीके से देख रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव को? अब तो लड़ाई ही नहीं है, अभी जो माहौल बना है और मोदी जी का प्रोग्राम है, बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा हो चुका है। कोई विरोधी लड़ाई में नहीं है। कैसे, रोजगार पर कहा जा रहा है कि रोजगार है, इस बार यहाँ बीजेपी का गढ़ तोड़ देंगे प्रमोद सिंह 20 साल। ये सब झूठ बात है, फिर प्रमोद कुमार जीतेंगे। हाँ। और बदले फिर से बीजेपी। आप भी बीजेपी का? बात है, नीतीश कुमार की सरकार में।
चलिए तो मोतिहारी से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ऋषिकेश वहां पर मौजूद है और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि भारी मतों से यहां पर एनडीए की सरकार फिर से आ रही है। आपको फिर से जानकारी देना चाहेंगे, बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। छपरा में पीएम मोदी की सभा हो चुकी है, निशाना वहां पर सादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह से यूपी में 2 युवराजों का हाल हुआ, उनका इशारा था अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और वही 2 युवराज बिहार में उनका भी हाल वैसा ही होने वाला है। मोतिहारी में पीएम मोदी की सभा है, वहां की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद बगहा और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी ऋषिकेश वहां पर मौजूद है मोतिहारी की उस सभा में, जहां की ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो वहां देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम वहां पर है और इनका कहना है कि सरकार फिर से एनडीए की बन रही है। इससे पहले चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप काफी ज्यादा देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, अगर हम राजद कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो वहां से भी ये कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार में मुख्य मुद्दा इस बार जो है वो रोजगार को लेकर होने वाला है, और बीजेपी की तरफ से भी तमाम दावे किए गए कि हमारी सरकार फिर से आती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे।